This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ae logo jo Allah se taqwa rakhte ho, Allah se darte ho, jab bhi baat kiya karo to seedhi kiya karo. अल्लाह ताला आपके अमाल को सीधा कर देगा और पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा जी। आज का हमारा एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, वो है अभी तक हमने जो बात की वो इंडिविजुअल की बात की कि अगर एक पर्सन इंडिविजुअल अगर काम करे तो फिर उसका तरीकेकार क्या होगा, कैसे वो टैक्स पे करेगा, अपनी टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेगा, अपने टैक्सेबल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेगा, टैक्सेशन कैसे करेगा, ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी। अब हमारे पास जो चीज आ रही है वो ये है कि अगर कुछ लोग मिलके कारोबार करें लेकिन कंपनी ना बनाए, जिसके साथ के लिमिटेड का वर्ड लिखा होता है, या वो इनकम टैक्स में कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करे, तो उनकी टैक्सेशन कैसे होगी। इस भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पता नहीं एओपी जो है वो या पार्टनरशिप फर्म जो है उसकी टैक्सेशन के क्या मराहिल है, कैसे होगा। बड़ा सिंपल और सादा जो है वो चीजें उसमें मौजूद हैं। इसको हम क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर जो इश्यूज हैं वो हमारे डिस्कस होने। सबसे पहले ये है कि एओपी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि लॉ ये कहता है पर्सन मीन इंडिविजुअल, एओपी कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट, ये पर्सन की डेफिनेशन है। तो इसके अंदर इंडिविजुअल की सैलरीड और नॉन सैलरीड की हम बात कर चुके हुए हैं। इसी तरह जो अब बात करने जा रहे हैं एओपी है, कंपनी हमारे सिलेबस में शामिल, उसका फुल फ्लेज क्वेश्चन में शामिल नहीं है, ना ही फेडरल गवर्नमेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है कि पार्टनरशिप एक फर्म कैसे टैक्स पे करेगी, उसके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे कि एओपी की डेफिनेशन क्या है। दूसरा हम बात करेंगे कि क्या को ओनरशिप और एओपी एक ही चीज है या इसमें कोई फर्क है, क्योंकि इसके साथ जो सेक्शन है को ओनरशिप का वो 66 इसको डील करता है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे कि को ओनरशिप अगर हो तो फिर क्या होगा और अगर एओपी होगी तो फिर क्या होगा। उसके बाद हम अपने उसी पैरामीटर्स को देखेंगे, हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इंडिविजुअल और एओपी का, क्योंकि हम इंडिविजुअल के ऊपर हमारी ग्रिप है। इसी तरह से हम देखेंगे कि डिफरेंशियल पॉइंट्स को हमने याद करना है, यानी एक पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन के लिए हमने अब ये नहीं करना कि हम जो है वो उसके ऊपर कोई नई चीजें याद करनी शुरू करें, उसी पैटर्न पे करेंगे, हमारी एनर्जी कम लगेगी और चीज हमें याद भी हो जाएगी। कुछ चीजें ऐड नहीं होंगी, कम ही होंगी, यानी जो कुछ हम अभी तक कर चुके हैं उसमें कुछ चीजें पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐड बहुत कम होंगी, एक आध चीज आएगी कंपनी के लिए, बाकी उसमें माइनस होंगी ज्यादा। पहली बात यह है कि हम इसमें ये देखेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म अपनी टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करती है, नंबर टू अपनी टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करेगी, नंबर थ्री उसके ऊपर टैक्स रेट्स कौन से एप्लीकेबल होंगे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि उसको क्रेडिट्स कौन कौन से अलाउ है, फिर उसके एडवांस टैक्स के साथ क्या होगा। फिर हमारा एक सेक्शन था सेक्शन 21, जिसके अंदर सिर्फ एओपी के ऊपर एक सेक्शन था जिसके अंदर ये बात की गई थी कि कुछ एक्सपेंडिचर सिर्फ एओपी को अलाउ नहीं है। उसके बाद अगर एओपी को प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए तो क्या वो उसके मेंबर्स उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद ये है कि जो टैक्स क्रेडिट्स हैं मेंबर्स के, कि अगर कोई साहब किसी पार्टनरशिप फर्म के मेंबर हैं और उस मेंबर को उसके पास कोई टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है लेकिन वो इस काबिल नहीं कि उसको एडजस्ट कर सके, उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं है या उसको कोई उसके पास कोई ऐसा प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो फर्म जो है वो उसको क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती। ये पार्ट वन हमारा होगा एओपी का। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर कोई मेंबर जो एओपी का मेंबर हो तो क्या उसकी टैक्सेबल इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा इस बात की वजह से कि वो एक फर्म का मेंबर है, ठीक है। अभी तक हमने जितनी बातें की उसके अंदर हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि एक इंडिविजुअल
अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर ना हो तो उसकी टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो ये हमारा पार्ट टू है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पार्ट वन की तरफ चलते हैं कि एओपी की डेफिनेशन क्या है। तो जी सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ हमें सेक्शन 80 हमें ये बताता है कि एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, कोई भी फर्म हो सकती है, जो वैसे अंग्रेजी के अंदर इंग्लिश में फर्म बिजनेस को कहते हैं, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग इसकी वही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसकी मैं भी आपको नीचे मैंने इसकी एग्जांपल कोट की हुई है। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसके अलावा कोई और पर्सन बन जाए लिमिटेड कंपनी के अलावा, एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, या कोई बाहर के कानून के मुताबिक बन जाए, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, लेकिन वो कंपनी की डेफिनेशन में ना जाए, राइट। ये डेफिनेशन मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कभी एग्जाम में पूछी गई है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एओपी से क्या मुराद है। अब जरा देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। मिस्टर ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन द नेम ऑफ कोविड एंड कंपनी, उन्होंने कारोबार स्टार्ट किया कोविड एंड कंपनी के नाम से। अब देखिएगा इसके साथ लफ्ज कंपनी लिखा हुआ है, बट इट डजंट मीन कि ये कंपनी है। मैंने जानबूझ के इसके साथ कंपनी लिखा ताकि आपको, कंपनी लोग लिखते नहीं है, राय एंड कंपनी, हमीद एंड कंपनी, चौधरी एंड कंपनी, ये कंपनी वो कंपनी नहीं है जो हम टैक्स वाली कंपनी है। उसके साथ नॉर्मली आपको जो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड का वर्ड उसके साथ मिलेगा। कहते जी देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 60% एंड 40%। तो ये हमारी एक एओपी की एग्जाम्पल है, दोनों ने मिलकर कारोबार शुरू किया, इसको को ऑनरशिप नहीं करेंगे, कहेंगे हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस इज को ओन्ड, वैसे आप इंग्लिश में तो कह सकते हैं कि को ऑनरशिप है, लेकिन हम इसको टेक्निकली टैक्स की लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम इसको एओपी बोलेंगे। दूसरी एग्जांपल क्या है जी, आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर फादर मिस्टर ए एंड बी कंटिन्यू ऑपरेटिंग बिजनेस ऑफ देयर फादर, उन्होंने अपने बाप के बिजनेस को ऐसे ही जारी रखा। पहले सिर्फ मिस्टर फादर था, वो अपना कारोबार कर रहा था, तो उतनी देर तक वो इंडिविजुअल था, वो अपने कारोबार पे टैक्स पे कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, उसके बच्चे उसके साथ काम कर रहे थे, उनको सैलरी दे रहा था, लेकिन बाप की डेथ हो गई तो दोनों बेटों ने उसी कारोबार को कंटिन्यू किया विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट उन्होंने नहीं किया आपस में, लेकिन कारोबार को डिवाइड नहीं किया, एज इट इज चलने दिया, दोनों का घर चलता रहा। तो लॉ कहता है दिस इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी ये हिंदू नहीं है, यानी मिस्टर ए और बी हिंदू नहीं है, ये टर्म यूज की गई है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये भी इसको भी पार्टनरशिप फर्म गिना जाएगा, एओपी गिना जाएगा। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट पाकिस्तान मोटरवे, पाकिस्तान मोटरवे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बावर लिमिटेड, डेवो लिमिटेड एंड नूर एंटरप्राइजेस, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, तीनों ने मिलकर क्या किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था तो तीन कंपनियां मिल गई, एक जर्मन की कंपनी, दो एक पाकिस्तानी कंपनी लिमिटेड कंपनी और एक फर्म मिल गई। तीनों ने मिलकर क्या किया, फाइल अ बिड टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बिड दी, कोटेशन दी कि जी हम इसको बनाना चाहते हैं, अपने रेट्स दिए, एंड दे विन द बिड, और उन्होंने उसको विन कर लिया, एंड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटरवे, उन्होंने मोटरवे बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो तीन लोग हैं ये एक पार्टनरशिप फर्म गिनी जाएगी, राइट। बावर अपनी एक अलग रिटर्न भी फाइल करेगा, डेवो अपनी अलग भी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेगा, नूर एंटरप्राइजेज अपनी टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट करेगा, लेकिन ये तीनों की एक, इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, क्या बोलेंगे इसको, ज्वाइंट वेंचर। अब जाहरी बात है कि जैसे ही मोटरवे खत्म होगा उसके बाद ये अपना अपना फिर दोबारा अपने को चले जाएंगे या कोई और वेंचर स्टार्ट करेंगे, तो इसको भी इन तीनों को जो ये मोटरवे बना के इन्होंने एक वेंचर स्टार्ट किया है, इसकी अलग से रिटर्न फाइल करेंगे और इस प्रोजेक्ट के ऊपर अलग से टैक्स लगेगा, ये इसकी एग्जाम्पल थी। अच्छा जी आगे चलते हैं, को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा जो हमारा इशू था कि क्या को ऑनरशिप भी ऐसे ही है, इसको लॉ ने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया। सेक्शन 66, को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एओपी फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल इनकम। अगर आप किसी बिल्डिंग को जॉइंटली ओन करके, मतलब मिस्टर ए और बी जो है वो दोनों मिलके एक बिल्डिंग रेंट आउट करेंगे तो ये को ऑनरशिप में जाएगी, इससे फर्क क्या पड़ेगा वो हम मैं बाद में आपको बताता हूँ। एंड देयरफॉर रेंटल इनकम इज नॉट टैक्सेबल एज अ सेपरेट टैक्स एंटिटी,
share of taxable rental income is taxable in the hands of each co-owner. This provision is applicable in each case other than income from business. यानी ये जो मैंने examples आपको दी हैं, इसके अलावा इस कोई भी और property, वो क्या property हो सकती है? आपके shares हो सकते हैं, एक कोई बिल्डिंग हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, ठीक है, बिजनेस ना आप कर रहे हो ज्वेलरी का, लेकिन वो आपकी को ऑनरशिप में आ सकती है। इसकी एग्जांपल्स देखिएगा और उसके साथ हम कैलकुलेशन करते हैं। अज्यूम मिस्टर ए'स इन्वेस्टमेंट इज 60% एंड मिस्टर बी इज 40%। मिस्टर ए एंड बी ओन्ड अ बिल्डिंग एट रुपीज 2 मिलियन एंड सोल्ड इट आउट एट अ प्राइस ऑफ 4 मिलियन। उन्होंने 4 मिलियन की बेच दी, ठीक है, बिल्डिंग का बेचना, उन्होंने एक बिल्डिंग परचेज की थी, रियल एस्टेट का कारोबार नहीं करते, तो बिल्डिंग का बेचना किस में जाता है? कैपिटल गेन में जाएगा। अब पहले तो गेन कैलकुलेट करें, को ओनरशिप में पहले गेन कैलकुलेट किया जाता है, टैक्स नहीं किया जाता, तो गेन आपने कैलकुलेट किया तो वो आ गया जी आपका गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। तो 4 मिलियन माइनस 2 मिलियन इज इक्वल टू 2 मिलियन का जी उसको गेन हो गया। अब गेन जो है ये फर्म नहीं है, इसको हम कहेंगे को ओनरशिप, तो इस गेन का 60% मिस्टर ए को चला जाएगा और 40% मिस्टर बी को चला जाएगा। तो मिस्टर ए अपनी रिटर्न के अंदर 12 लाख रुपया कैपिटल गेन शो करेगा और मिस्टर बी जो है वो अपनी रिटर्न के अंदर 8 लाख रुपया कैपिटल गेन शो करेगा। ठीक हो गया, ये होगा, यानी दोनों अपनी इनकम को अलग अलग लेकर चलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या एक फर्म जो है वो नहीं कोई बिल्डिंग खरीद सकती? बिल्कुल एक फर्म भी खरीद सकती है, जैसे नूर एंटरप्राइज, उसने बिल्डिंग खरीद के अगर बेच दी तो वो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी, वो उसकी अपनी पर्सनल जो है वो टैक्सेबल इनकम होगी और एओपी अपनी रिटर्न फाइल करते हुए उसके अंदर उसको ऐड कर लेगी। अच्छा जी, मिस्टर ए एंड बी ओन्ड अ बिल्डिंग इन डीएचए एंड रेंटेड आउट एट अ मंथली रेंट ऑफ 100,000। उन्होंने 1 लाख रुपए का उसको बिल्डिंग को रेंट आउट कर दिया। अब इसका टोटल रेंट कितना आ गया? रेंटल इनकम उसकी आ गई हमारे पास 100,000 इंटू 12, तो कितनी आ गई जी? 12 लाख। तो मिस्टर ए का उसमें 60% शेयर है, तो 12 लाख इंटू 0.6, तो उसकी आ गई इनकम टैक्सेबल 7,20,000। और मिस्टर बी जो है उसका कितना शेयर है? 40%, तो उसकी इनकम कितनी आ गई? 12 लाख इंटू 0.4, 480,000 आ गई, ठीक है जी। अच्छा अब जरा मैं एक चीज यहां पर आपको क्लियर करूं, पहले तो इनका टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि इनकी टैक्सेशन कैसे होगी दोनों की। तो उसके लिए हमें एओपी के रेट्स देखना पड़ेंगे कि एओपी के रेट्स क्या है। तो हमारे पास सॉरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के टैक्स रेट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, ये आगे जी हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के, तो एक ही 4.5 लाख रुपए इनकम है, 480, उसके लिए वो इसमें जाएगा 2 में, और जो मिस्टर बी है वो इधर जाएगा और मिस्टर ए इधर चला जाएगा, यानी 20,000 प्लस 10%। तो अब इनकी टैक्सेशन करते हैं, इसकी टैक्सेशन होगी 20,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000। तो हमारे पास टैक्स आ गया जी इसका 720, ये 120 आ गया इंटू 0.1, 12,000 प्लस 20,000, 32,000। अच्छा, और मिस्टर बी जो है वो किस स्लैब में फॉल कर रहा है? उसका रेट है 5%
ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 400,000, ठीक है जी। -400,000, तो 80,000 का 5% 4,000 आ गया। यानी ये दोनों अलग अलग अपना टैक्स पे करेंगे तो टोटल कितना टैक्स पे करेंगे, 36,000। अच्छा एक चीज यहां देखिएगा जिसको हम टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं, अगर ये किसी एक ही शख्स ने ये बिल्डिंग परचेज की होती तो फिर उसको टैक्स कितना होता। मतलब फॉर एग्जांपल कि यही रेंटल इनकम मुझे आती, इमरान शहजाद को अगर रेंट आ रहा है 12 लाख रुपया, यानी कि मेरे साथ कोई और पार्टनर नहीं है मेरा, तो फिर मुझे टैक्स कितना देना था। देखिएगा ये टैक्स रेट्स में जरा जाके देखते हैं कि 12 लाख के ऊपर हमारा जो टैक्स बन रहा है वो 70,000 है। ये देखिए 12 लाख का कैलकुलेट भी कर लें, वैसे भी ये 70,000 है। अब देखिएगा इसका मतलब मुझे टैक्स कितना देना था, ₹70,000। तो इस तरह से ये भी बचत हो सकती है कि अगर एक साहब एक बाप है उसकी बिल्डिंग है तो वो उस पर टैक्स कितना दे रहा है, 70,000। तो वो बाप चाहे तो अपनी बिल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने बेटों के दौरान, तो फिर उसको टैक्स में बचत हो सकती है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने लिया कि उसको टोटल एक बेटे को टैक्स लग रहा है 32,000 और दूसरे को टैक्स लग रहा है 4,000। तो इस तरह से आप देखें कि उनको अच्छी खासी टैक्स में बचत हो रही है। लेकिन इसमें एक केयर करनी चाहिए, बाप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए वो ना हो कि टैक्स में बचत करता रहे और बिल्डिंग पूरी की पूरी हाथ से निकल गए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो इसलिए ये बात बड़ी केयर करनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरा इसमें जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है मिस्टर ए एंड बी ओन्ड अ फैक्ट्री इन कालाकताई एंड रेंटेड इट आउट एट अ मंथली रेंट ऑफ 200,000। अब ये देखते हैं कि अगर आप किसी बिल्डिंग को विद प्लांट एंड मशीनरी आप रेंट आउट करेंगे तो उसका जो इनकम है वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब तो ये फैक्ट्री क्या है, को ओन्ड है, तो इसलिए अगर को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आएगा तो इस इनकम को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो इसमें से 1,20,000 यानी 60% चली जाएगी मिस्टर ए को और इसका 40% मिस्टर बी को चला जाएगा 80,000। तो दोनों अपनी अपनी रिटर्न के अंदर इसको अलग से टैक्स करवाएंगे। इसी तरह देखिएगा, मिस्टर ए एंड बी इनहेरिटेड शेयर्स फ्रॉम देयर फादर एंड रिसीव डिविडेंड ऑफ 100,000। इनको शेयर्स मिले लेकिन उन्होंने डिवाइड नहीं किए, तो अब क्या है, इसको भी हम को ओन्ड प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे, इसको बिजनेस ट्रीट नहीं करेंगे और ये दोनों अलग अलग करेंगे। तो इससे फर्क हमें ये पता चला कि को ओनरशिप के केस के अंदर गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उस गेन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये एक बेसिक फर्क समझ आ गई। एओपी क्या करेगी, एओपी अपनी इनकम पे टैक्स देगी, एओपी डायरेक्ट अपना टैक्स देगी, लेकिन इन केस ऑफ को ओनरशिप जो उसको टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि उसके जितने भी ओनर हैं ए बी सी वो उस गेन को अपनी अपनी इनकम में लेकर जाएंगे और अलग अलग टैक्स करेंगे। इससे उनको बचत भी हो सकती है, एक्सपेंसेस भी अलग अलग हो सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि एओपी से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय एओपी, इसकी डेफिनेशन, और दूसरी बात हमने कर ली को ओनरशिप की। अब चलते हैं जो असल चीज हमारे पास है कि एओपी की टैक्सेशन कैसे होगी, लेकिन इसको कैसे सीखेंगे, साथ साथ इंडिविजुअल को डिस्कस करते जाएंगे उसके साथ। पहली चीज है टोटल इनकम। पहली चीज क्या है कि टोटल इनकम एओपी की क्या होगी, ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले मैं बात करता हूं इंडिविजुअल की। लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है टोटल इनकम से क्या मुराद है। वो कहता है टोटल इनकम मीन इनकम फ्रॉम सैलरी यानी 5 हेड्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो कहता है ये है आपकी टोटल इनकम। अब देखिएगा
फर्म की तो सैलरी हो नहीं सकती क्योंकि सैलरी होती सिर्फ इंडिविजुअल की है। इसका मतलब अगर हम एओपी की टैक्सेशन करेंगे तो उसकी टोटल इनकम क्या होगी, सिर्फ ये वाले हेड्स होंगे। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6A, वहां से देखते हैं कि टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा पार्टनरशिप का। कहते जी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन द नेम ऑफ क्रोना एंटरप्राइजेस सीई, उसका नाम है। देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो इज 60% एंड 40%। एनई सॉरी सीई है, सीई हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसने कहा जी मेरी रेंटल इनकम जो है वो कितनी है, 50,000। बिजनेस इनकम मेरी 13 लाख। बिजनेस एक्सपेंसेस जो है ना जी वो मेरे 3 लाख। कैपिटल गेन जो है वो हमारे पास अंडर सेक्शन 37 250, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सवाल ये है कि कंप्यूट टैक्सेबल कैलकुलेट उसकी जो है सीई की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो हम उसकी इनकम कैसे आएगी, सबसे पहले लिखें आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वो हमारे पास आ जाएगी जी 50,000 इंटू 12, तो वो कितनी आ गई, 6 लाख रुपए। उसके बाद आ गई जी बिजनेस इनकम, उसमें हमारे पास 13 लाख रुपए की उसमें इनकम है और 3 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हैं। तो बिजनेस इनकम कितनी आ गई, 1 मिलियन। उसके बाद आ गया जी कैपिटल गेन्स 250, और हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई 150,000। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई हमारे पास, 20 लाख रुपए टोटल इनकम। ये हमारी पहली चीज थी कि तो इससे ये पता चला कि एक फर्म के अंदर और एक एओपी और इंडिविजुअल में कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है। उनकी टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम तकरीबन जो है वो सिर्फ सैलरी उसमें नहीं आएगी, ये एक फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो सुनिएगा वो क्या है, वो है टैक्सेबल इनकम। एक फर्म की टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, एक फर्म की टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो पहले चलते हैं हम दोबारा इंडिविजुअल के ऊपर कि हम जब टोटल इनकम तक पहुंचेंगे तो टोटल इनकम तक पहुंचते हुए पहला हमारे पास हेड आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर आ गई हमारे पास बिजनेस इनकम। फिर आ गया जी हमारे पास कैपिटल गेन्स, और फिर आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये आ गई टोटल इनकम। आप देखिएगा इसमें कौन कौन सी डिडक्शन, डिडक्टेबल अलाउंसेस हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल हमने अभी तक पढ़ा, तो हम इसमें से करते हैं लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस। नंबर वन ज़कात, बिल्कुल वही रूल है जो ज़कात का आपका इंडिविजुअल के लिए था। उसके बाद है जी डोनेशन अंडर क्लॉज 61, सेम रूल वही जो इंडिविजुअल के लिए है, आप उसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये भी आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल के लिए थी, यहां नहीं होंगी। उसमें पहली चीज है आपकी प्रॉफिट ऑन डेट। अगर कोई इंडिविजुअल अपना घर बनाने के लिए, उसको अक्वायर करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई लोन दे ले शेड्यूल बैंक से, एचबीएफसी से, तो उसके लिए क्या होगा कि उसको उसका जो इंटरेस्ट है उसके लिए डिडक्टेबल अलाउंस बनेगा। लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए था, एओपी के लिए नहीं होगा। पहली चीज तो ये है कि ये नहीं आएगी। दूसरा इसमें था एजुकेशन एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस।
ये भी सिर्फ इंडिविजुअल के लिए था, इसका मतलब ये भी हमारे लिए नहीं आएंगी। तो ये दो चीजें नहीं आएंगी, तो नॉर्मली हमें एग्जाम के अंदर जो चीज मिलने के चांसेस हैं वो ये वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी वो इनको माइनस करने से होगी, इनमें से ये दो चीजें हम उसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे उसमें से। तो ये इस तरह से हमारी ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब जरा इसकी इक्वलाइजेशन करते हैं, देखते हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम क्या आएगी। ये देखिएगा जी, सेम डेटा वही है हमारे पास। रेंटल इनकम आ गई, बिजनेस इनकम आ गई, एक्सपेंसेस आ गए, लेकिन इसमें दो डिडक्शंस गिवन है। ज़कात पे की गई है 50,000 और डोनेशन पे की गई है 50,000 की शौकत खानम लाहौर को। तो हम टैक्सेबल के लिखा है कैलकुलेट सी ये टैक्सेबल इनकम। तो उसी क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो इसमें लिखेंगे लेस। ये डिडक्टेबल नहीं है, डिडक्टेबल है ये, डिडक्टेबल अलाउंस। उसमें से आप करेंगे ज़कात 50,000 माइनस करेंगे, और इसमें आप माइनस करेंगे डोनेशन अंडर क्लॉज 61। 50,000 तो माइनस होने के बाद इस फर्म की टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 1.9 मिलियन। ठीक है जी, तो ये चीजें हमारे पास आ गई। अब कंटेंट्स के ऊपर चलते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने बात डिस्कस कर ली कि एक फर्म की टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। फिर दूसरी इलस्ट्रेशन में हमने किया कि 6B के अंदर के टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन यहां पर लॉ में एक चेंज आई, अगर कोई कंपनी किसी फर्म की मेंबर हो, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा बावर लिमिटेड और जो डेवो लिमिटेड थे, अगर एक कंपनी किसी एओपी की मेंबर हो, ये बात याद रखें, तो वो फर्म जो है वो अपनी कंपनी का टैक्स नहीं पे करेगी, अपनी कंपनी का टैक्स पे नहीं करेगी। देखें, एक एओपी है, उसकी टोटल इनकम है लेट्स सपोज 100, तो उसके अंदर एक उसकी लिमिटेड कंपनी है, उसका शेयर है 40%, यानी 40 रुपये उसका शेयर हो गया, और बाकी मेंबर्स का शेयर कितना है, 60%, 60 रुपये। तो फर्म जो है वो किस पे टैक्स देगी, सिर्फ इसके ऊपर, इसके ऊपर एओपी ने टैक्स देना है। ये 40 वो अपनी इनकम का हिस्सा नहीं बनाएगी, बल्कि ये उस कंपनी को देगी, कंपनी इसको अपनी इनकम में ऐड करेगी। कंपनी कहाँ ऐड करेगी उसको, अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बिजनेस में नहीं ऐड करेगी। ये बात मैंने बताई है, दोबारा सुन लें। एक एओपी कि अगर कोई कंपनी मेंबर होगी तो वो फर्म अपनी कंपनी का टैक्स पे नहीं करेगी, उसको निकाल देगी। कौन, दो चीजें निकाल लेगी अपनी कंपनी की। नंबर वन, उसकी टैक्सेबल इनकम, कंपनी की टैक्सेबल इनकम अपनी इनकम में से निकाल देगी, और उसका जो एडवांस टैक्स है, यानी टैक्सेबल इनकम कितनी, लेट सपोज 40%, तो 40% टैक्सेबल इनकम भी निकाल देगी, और जो उसने एडवांस टैक्स दिया हुआ फर्म ने, वो उस एडवांस टैक्स में 40% वो भी निकाल देगी। तो ये दोनों चीजें जो है ये कंपनी अपनी इनकम में ऐड करेगी, वो इसको अपनी इनकम में ऐड करेगी और इस टैक्स को उसमें लेकर जाएगी। ये चीजें चलें जी, इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो कि इसकी टैक्सेशन कैसे की जाएगी। ये देखिएगा जी, सेम डेटा हमारे पास मौजूद है। मिस्टर ए एंड इजहार प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड अ बिजनेस इन द नेम ऑफ कोरोना एंटरप्राइजेस सीई। देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। एनई हैज सीई हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग इनकम, उसने ये डिक्लेयर की, रेंटल इनकम उसकी ये थी, बिल्कुल सेम डेटा हमारे पास वही है। ज़कात, एक एडिशनल पॉइंट क्या आ गया कि एडवांस टैक्स है। पहला ये चेंज आई कि इसमें मिस्टर बी नहीं है बल्कि इजहार लिमिटेड है, ये आ गई। इसमें एक इंडिविजुअल हमारे पास है मेंबर, और एक उसके साथ क्या है, एक कंपनी है, तो
अब इसकी टैक्सेशन कैसे की जाएगी। अच्छा अब देखिएगा जरा कि जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम होती है ना, अभी हम सिंपलिसिटी के लिए इसको निकाल देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए, ये बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या करना है। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला काम कि आप बिजनेस अपनी टैक्सेबल इनकम तक पहुंचना है। अगर किसी फर्म की एओपी की कोई मेंबर कंपनी हो तो कोई नई चीज नहीं करनी, चुप करके टैक्सेबल इनकम तक आपने पहुंचना है। अब इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आ गई जी हमारे पास बिजनेस इनकम, ये आंसर था जी 6C का। वो हमारे पास कितनी आ गई, 1.3 मिलियन माइनस 300,000। तो ये हमारे पास आ गई 10 लाख कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37, वो आ गया 2,50,000 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वो हमारे पास आ गई। तो टोटल हमारी इनकम क्या आ गई, 1.4 मिलियन, और इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्टेबल लॉसेस उसमें एक चीज है हमारे पास ज़कात, सॉरी 50,000, और दूसरा है डोनेशन टू शौकत खानम अंडर क्लॉज 61, 50,000। तो हमारी टैक्सेबल इनकम जो है वो बिफोर शेयर कंपनी शेयर वाजे की 13 लाख। अब ये जो 13 लाख रुपए है ये दो लोगों का है, एक इसमें कंपनी है इजहार, ठीक है जी, उसका 40% शेयर है, और बाकी एक है मिस्टर ए और उसका इसमें 60% शेयर है। तो अब हमने फर्म ने क्या करना है, उसने इसको निकालना है, उसने सिर्फ जो बाकी मेंबर्स हैं उनका टैक्स पे करना है, वो एक हो या दो हो जितने भी होंगे उनका। इसमें से हम करेंगे लेस कंपनीज शेयर, दैट इज 40%, इसी अमाउंट का 13 लाख रुपए का 40% हम यहां से लेस कर देंगे, ठीक है जी। 1.3 मिलियन इंटू 0.4, तो ये माइनस हो जाएगा 5,20,000। तो ये हमारे पास जो हमारी टैक्सेबल इनकम आएगी जिस पे हमने टैक्स पे करना है वो आएगी माइनस 13 लाख, 7,80,000 रुपये। ठीक है जी, तो ये इसको बोलेंगे हम टैक्सेबल इनकम, ये आएगी, ठीक होगी बात। अच्छा इसी क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट भी है, क्वेश्चन की कि पहले तो आप कैलकुलेट करें टैक्सेबल इनकम टैक्स पेबल ऑफ सीई क्रोना एंटरप्राइजेस की, फिर इजहार की और फिर मिस्टर ए की, तो इससे हमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अच्छा अब सुनिएगा जरा, जब एओपी की आप टैक्सेशन करेंगे तो ये बात याद रखें एओपी के और नॉन सैलरी के सेम रेट्स हैं, बस फर्क क्या होगा कि यहाँ आप नॉन सैलरी के बजाय क्या लिखेंगे, एओपी लिख देंगे। रेट्स वही होंगे, सेम रेट्स इसके ऊपर अप्लाई होंगे। वो कौन से हैं हमारे पास टैक्स रेट्स, ये देखिएगा, ये वाला है, ये तो ये नॉन सैलरी के रेट्स, ठीक है जी।
मेरा ख्याल है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मैं पीछे गलत कर रहा हूँ। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो रेट था मैं नॉन सैलरी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, वो देख लीजिएगा जरा। एक जगह पर मैं उसके रेट्स को गलत कर रहा हूँ, तो जरा रेट्स ये लगाने थे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के, मैं गलती से ये लगा रहा हूँ। ये है जी नॉन सैलरी के रेट्स, ठीक है। एग्जाम में मिल जाएंगे, अगर ओपन बुक एग्जाम हो तो जाहिर बात है कि हमें ये ऑर्डिनेंस में गिवन होंगे या हमें एग्जाम में ये मिल जाएंगे। अब हमारी इनकम है 7,80,000, किस ब्रैकेट में फॉल कर रही है? इधर ये है हमारे 10,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000, ठीक है। 10,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000, तो ये आ जाएगा टैक्स ऑन रुपीस 10,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट। ये देखिएगा यही रेट है, गलत तो नहीं लगा रहा मैं यहाँ पे जी, अमाउंट एक्सीडिंग 600,000। तो ये हमारे पास आ गया जी, इसका अगर माइनस करेंगे 180 इंटू 10% 18,000 माइनस, 28 था। ये कौन सा भाग है, कौन मैं से सर भाग? शेव अच्छा शेब, माशाल्लाह रिकवर होके आ गए, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्त। 28,000 आ गया, ये आ गया जी हमारे पास इसकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी की दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि कंपनी की टैक्सेशन भी करें, कंपनी की तरफ आ जाते हैं, तो हम इसमें जाएंगे इजहार प्राइवेट, अज्यूम करें कि इजहार प्राइवेट लिमिटेड किसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, तो हम वो लिखेगा इनकम फ्रॉम अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज भी है कि इसका एडवांस टैक्स भी गिवन है इसके अंदर, ये देखिएगा एडवांस टैक्स इतना 10,000, वो भी हमने क्योंकि टैक्स पेबल रिक्वायरमेंट है तो इसको लेस करेंगे, लेस एडवांस टैक्स। अब देखिएगा ये सारा टैक्स हमारा नहीं था, इसमें तो सिर्फ 60% हमारा है ना, तो हम क्या करेंगे इसका 60% लेंगे, यानी 6,000 हम माइनस करेंगे यहां से। तो हमारे पास टैक्स पेबल क्या आ गया, ₹22,000 ये आ जाएगा। तो आप यहां पर एक चीज नोट करें कि हमने इनकम में से दो काम किए, अपनी इनकम में से 40% जो कंपनी की इनकम थी वो निकाल दी, और अपना जो टैक्स था उसमें से भी 40% कंपनी का टैक्स भी निकाल दिया, तो 60% हमारे पास इनकम रह गई हमारी, राइट, और हमारे पास 60% ही हमारा टैक्स रह गया, और उसके ऊपर हमने टैक्स पेबल कैलकुलेट कर दिया। अच्छा अब आते हैं इजहार के ऊपर, इजहार लिखेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शेयर फ्रॉम एओपी, और उसका कितना शेयर था 520,000, यही उसकी टोटल इनकम है, तो इसका टैक्स कितना आएगा, टैक्स एट द रेट ऑफ 29% जो है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 520 इंटू 0.29, 1,50,800, और इसमें से करेगा लेस एडवांस टैक्स, तो 10,000 रुपया फर्म ने टैक्स दिया था, इसका शेयर कितना था 40%, तो 4,000 रुपया ये इसमें से लेस कर देगा, तो उसका टैक्स पेबल कितना आ जाएगा जी 146,800, ये इसका टैक्स पेबल आ जाएगा। अब तीसरी बात ही कि मिस्टर ए जो है उसकी टैक्सेशन करें, दो बातें हो गई, हमने फर्म की कैलकुलेशन भी कर ली और एओपी की कर ली, आ गया मिस्टर ए। अब यहां पर एक बात याद रखें, अगर कोई मेंबर कंपनी के अलावा अगर कोई मेंबर किसी एओपी, कोई शख्स, कोई इंडिविजुअल, कोई एओपी
एओपी की भी जाहिर बात है कोई ना कोई इनकम होगी, किसी और फर्म का मेंबर हो, किसी फर्म का मेंबर हो और उसकी इसके अलावा कोई और इनकम ना हो, उसकी इसके अलावा कोई और इनकम ना हो, तो ये बात याद रखें, उसके हाथ में ये जिसको शेयर मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं, शेयर फ्रॉम एओपी इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स आर एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट कंपनी, शेयर फ्रॉम एओपी इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स आर एग्जेम्प्ट, ठीक है, उसके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। अब मिस्टर ए जो है, चूंकि उसने इसकी इसके अलावा कोई और इनकम नहीं, तो वो एग्जेम्प्ट हो गया। ये एक चीज थी जी हमारे पास जो हमने कैलकुलेट की। अभी तक हम सिर्फ मेंबर्स की टैक्सेशन के अंदर अभी हमने सिर्फ कंपनी को देखा है, ठीक है, ये चीज मैंने यहां पर आपसे डिस्कस की, ये पॉइंट भी हमारा हो गया। चलते हैं जी अपने कंटेंट्स के ऊपर। कितनी चीजें हमने पढ़ ली कि टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, टैक्स रेट्स कौन से अप्लाई होंगे, एओपी के और नॉन सैलरीड के सेम रेट्स हैं, फर्क सिर्फ ये है कि वहां एओपी लिखा जाएगा और एक जगह पर नॉन सैलरीड होगा। उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स कौन कौन से जो है वो एओपी को अलाव है, टैक्स क्रेडिट्स कौन कौन से अलाव है, जरा इसके ऊपर हम बात करते हैं। इससे पहले उसी तरह हम बात करते हैं इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल की हम जब टैक्सेशन करते हैं तो उसमें हम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद पहला टैक्स कैलकुलेट करते हैं फुल टाइम टीचर अलाउंस। और रिसर्चर अलाउंस ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए था, इसका मतलब ये हमारे क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है फॉरेन टैक्स क्रेडिट की। जी बिल्कुल, जैसे आपने इंडिविजुअल के लिए कैलकुलेट किया था, इसके लिए भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, देर इज नो डिफरेंस। यानी इंडिविजुअल और एओपी का टैक्स कैलकुलेट करने का पैटर्न सेम है। क्या सेम है? एक्चुअल टैक्स और एवरेज टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम, विच एवर इज आपका जो लोअर हो कि आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर। बिल्कुल सेम पैटर्न है जो वहां पे था। और इसमें क्या था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। डोनेशन, बिल्कुल डोनेशन वही सेम जो इंडिविजुअल का था, डोनेशन अंडर सेक्शन 61 यहां भी कैलकुलेट होगी, ठीक है। इसमें जो चीज नहीं आएगी वो कौन सी है? एक तो इसमें है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड ये नहीं आएगा, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होता है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये इसके अंदर हम इसको कैलकुलेट ये नहीं आएगा, ये चीज जो थी हमने इसको करना था, ठीक है जी। ये दो चीजें, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल और एओपी में ये फर्क आएगा, एक ये अमाउंट नहीं आएगी और एक ये अमाउंट नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो क्या यहाँ पर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को ऐड करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, जैसे इंडिविजुअल में करते थे हम यहाँ करते थे ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। उसमें क्या था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, कैपिटल गेन्स था, ये भी यहां पर अमाउंट ऐड होंगी। तो इसमें से लेस क्या करना आपने, एडवांस टैक्स, तो ये बात यहां तक समझ आई कि एओपी जो है कोई मुश्किल चीज नहीं है, वही है सारी चीजें जो पहले हमने डिस्कस की थी, ठीक हो गया जी। तो ये बात भी होगी, अब इसकी जरा एक प्रैक्टिस करें ताकि हमें पता चले कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये जी हमारे पास एक क्वेश्चन,
नहीं हो रहा जी। सेम क्वेश्चन हमारे पास है जी, मिस्टर ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन द नेम ऑफ कोरोना एंटरप्राइजेस, देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो इज 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। सीई हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग इनकम, रेंटल इनकम है जी उसकी 50,000 पर मंथ, बिजनेस इनकम उसकी, अब यहाँ पर फर्क आ गया कि ये पाकिस्तान की नहीं यूके की है, ठीक है जी। और इसके साथ हमारे पास जो दूसरी चीज है, तो दूसरी चीज हमारे पास है जी उसकी, ये सारा डेटा उसका फॉरेन सोर्स इनकम का है। उसके बाद कैपिटल गेन है जी उसका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एडवांस टैक्स पेड इन पाकिस्तान, ज़कात पेड एंड डोनेशन टू शौकत खानम। तो हमसे रिक्वायरमेंट क्या है कि हम सी की टैक्सेशन करें, उसकी टैक्स कैलकुलेट करें। चलें जी, अब इसमें हमारे पास दो इनकम, रेंटल इनकम है, बिजनेस इनकम आ गई, कैपिटल गेन आ गया, और बाकी पूरे क्वेश्चन को आराम से कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी, वैसे ही करना जैसे इंडिविजुअल का था, ये उसी तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये आ गया हमारे पास 66D, सिक्स। सबसे पहले क्या है हमारे पास, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। पहले आ गई हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, $50,000 इन टोटल, 6 लाख रुपया। उसके बाद आ गई जी बिजनेस इनकम, कितनी है जी बिजनेस इनकम, वही सेम 13 लाख, 1.3 मिलियन माइनस 300,000, 1 मिलियन आके, लेकिन ये किसकी है, फॉरेन सोर्स इनकम। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कैपिटल गेन, $250,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 150,000। तो हमारे पास ये भी हमने टैकल कर ली, ये भी हो गई, ये भी हो गई, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, नहीं इसको नहीं किया अभी, टैक्स पेड को नहीं किया, ये हम टोटल इनकम तक आ गए। उसके बाद है जी हमारे पास ज़कात और डोनेशन, टोटल इनकम हमारी 4,20,00,000, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 6, ये सारी आगे 20 लाख रुपया, इसमें से हम 10 करेंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस, ज़कात एंड डोनेशन अंडर क्लॉज 61, ज़कात 50,000, डोनेशन 50,000, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 19 लाख। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ना सेपरेट ब्लॉक को भी माइनस करना, यहाँ पर हमने सेपरेट ब्लॉक को भी लेस करना, या पहले कर दें या बाद में कर दें, सेपरेट ब्लॉक हमारे पास 6 लाख रुपया, टैक्सेबल इनकम कितनी होगी हमारे पास, 13 लाख, मेरा ख्याल है कि हमें सेपरेट ब्लॉक को इससे पहले
पहले माइनस करने के बाद डिडक्टिबल अलाउंसेस को लेना चाहिए। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि हम इससे पहले, आप ये काम एग्जाम में नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूं, इसको लिखेंगे लेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, वो है जी 6 लाख रुपए। तो ये हमारे पास आ गई 1.4 मिलियन, और इसमें से फिर डिडक्टेबल अलाउंस को माइनस कर हमारे पास आ गई 13 लाख रुपया टैक्स में। अच्छा जी, अब इसके साथ हमने क्या काम करना है, इसकी अब टैक्सेशन करते हैं। अब टैक्सेशन में क्या लिखेंगे इसको, एओपी नॉन सैलरी की बजाय। तो सबसे पहले टैक्स किस पे कैलकुलेट करना, हमने 13 लाख के ऊपर हम करेंगे जी टैक्स ऑन रुपीज 1.3 मिलियन। तो रेट्स देखते हैं, हमारे पास नॉन सैलरी के जो रेट्स हैं 13 लाख के लिए, ये स्लैब है 70,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1.2 मिलियन। सर 85,000। वन हंड्रेड फिफ्टी मुआविया आ गया 85,000। अब देखिएगा, इसमें फुल टाइम टीचर का नहीं है, लेकिन इसकी फॉरेन सोर्स इनकम है, उसका टैक्स क्रेडिट हम लेस करेंगे। हम करेंगे लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसकी पहले एक्चुअल अमाउंट लिखें, फॉरेन जो टैक्स पे किया है कितना है जी, एक्चुअल टैक्स इसका 20,000, और दूसरा है हमारे पास एवरेज टैक्स पेएबल ऑन फॉरेन सोर्स इनकम, वो क्या करेंगे 85 को टैक्स को टैक्सेबल इनकम पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ गया जी और 85 टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम। कितनी थी जी ये फॉरेन सोर्स इनकम, 10 लाख। देखिएगा क्या आंसर आ रहा है, 65,385। मैं जरा 65,385 विच एवर इज लोअर, तो हमें 20,000 रुपए इसका क्रेडिट मिल जाए। तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई, 65,000, ठीक हो गया। और हमने पाकिस्तान में एडवांस टैक्स कितना दिया हुआ है, 15,000, तो वो इसमें से लेस कर देंगे, लेस विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स जो भी वर्ल्ड एग्जामिनर ने यूज किया हो, ये आ गया आपके पास जी टैक्स पेएबल फिफ्टी थाउजेंड जी। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है जी, ये चीज भी हो गई कि हमने टैक्स क्रेडिट को भी कैलकुलेट कर लिया,
चलते हैं अब दोबारा हमारे टॉपिक के ऊपर कि एडवांस टैक्स ये हमारा एरिया पॉइंट वन भी हो गया, टू भी हो गया, थ्री भी हो गया। उसके बाद आता है जी इन इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 21। क्या सेक्शन 21 हमें कोई ऐसी गाइडलाइंस बताता है कि बिजनेस में जी के एओपी को कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे? जी बिल्कुल बताता है। उसमें से उसने कौन कौन से बताए हुए हमें एक्सपेंसेस? उसने कहा जी आप सैलरी नहीं दे सकते अपने मेंबर को, आप उसको इंटरेस्ट नहीं दे सकते, इसके अलावा कोई और उसको रिवॉर्ड नहीं दे सकते, आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी रेंट दे सकते हैं उसको, तो ये एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? इनएडमिसिबल हो जाएंगे। अच्छा इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं अभी, उससे पहले जरा फिफ्थ के ऊपर आए। लॉस टू एओपी शैल बी ट्रांसफर टू मेंबर्स और नॉट, क्या एओपी को लॉस हो तो क्या उसके मेंबर को ट्रांसफर होगा? द आंसर इज नो। अब यहाँ नई बात आ गई कि अगर कंपनी मेंबर हो तो क्या लॉस कंपनी लेगी? द आंसर इज नो। कंपनी का शेयर सिर्फ उसी सूरत में आप माइनस करेंगे अगर गेन होगा। अगर एक एओपी को लॉस आ गया तो फिर आप एओपी ही लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेगी, कंपनी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड अपनी अपनी इनकम में से एडजस्ट नहीं कर सकती। ये बात दूसरा है जी टैक्स क्रेडिट ऑफ अ मेंबर, क्या एक मेंबर के पास अगर कोई टैक्स क्रेडिट हो, ठीक है, उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स के अंदर, उसके पास कोई एडवांस टैक्स है जो कि एडजस्ट नहीं कर सकता, क्या उसकी फर्म एडजस्ट कर सकती है? द आंसर इज यस। तो एक रिटर्न डिक्लेरेशन लिख के देगा मेंबर के, जनाब मैं अपनी फर्म को इजाजत देता हूं कि मेरे ये क्रेडिट वो क्लेम कर ले, तो वो कर सकती है। क्या एक मेंबर अपनी फर्म के क्रेडिट एडजस्ट कर सकता है? नो। दिस इज वन वे ट्रैफिक, वन वे होता है ना, आप वहां से एक ही रास्ते में जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। तो एक एओपी जो है वो अपने मेंबर्स के क्रेडिट्स क्लेम कर सकती है, लेकिन मेंबर अपने एओपी के क्रेडिट कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब आते हैं इसके ऊपर जो फोर है, इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं कि उस सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये है जी हमारे पास एक क्वेश्चन, मिस्टर ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, बिल्कुल सेम हमारे पास जो है वो सी का क्वेश्चन है। बिजनेस इनकम जी 18 लाख, बिजनेस एक्सपेंसेस हैं 8 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है जी 1.5 लाख, एडवांस टैक्स पेड इन पाकिस्तान 15,000, ज़कात पेड है जी 50,000। वो कहते हैं जी इसकी कैलकुलेट सी टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेएबल एंड बोथ मेंबर्स। चले मेंबर्स का तो हम अभी छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ हम सीई की कैलकुलेशन करते हैं कि सीई की यहां लिखा हुआ एक पॉइंट पढ़िएगा कि बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी पे टू मैनेजर एंड मिस्टर ए 20,000 एंड 15,000 पर मंथ है, ये पर मंथ रिस्पेक्टिवली, यानी मैनेजर को 20,000 दिया जा रहा है और मिस्टर ए को 15,000 रुपया दिया जा रहा है। अब सेक्शन 21 ये कहता है कि आप अपने मेंबर को सैलरी नहीं दे सकते, ये डिस अलाउ है। तो हम क्या करेंगे इसकी जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे बिजनेस इनकम अठारह लाख और एक्सपेंसेस वो कितने हैं जी 800,000, इसमें से लेस कर देंगे 15,000 इनटू 12 जो उसने सैलरी उसको दी है, वो एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं है, वो एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं है। तो 15,000 इनटू 12 180,000, तो ये आपके एक्सपेंस हो गए 620,000, ये आपकी बिजनेस इनकम आ गई। तो 12 लाख माइनस 6 लाख 11,80,000 बिजनेस इनकम आ गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जी हमारे पास 150,
हमारे पास टोटल इनकम कितनी आ गई, जीरो 13, 13,30,000। और इसमें उसने ज़कात भी पे की है कंफर्म ने, तो लेस करेंगे ज़कात पेड 50,000। तो हमारे पास आंसर आ गई टैक्सेबल इनकम 12,80,000 पे देखें टैक्स कितना आ रहा है, 70,000 प्लस 15%।82,000 82,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से हम करेंगे लेस एडवांस टैक्स, कितना जी एडवांस टैक्स हमारे पास 15,000। सेवन ये आ गया जी टैक्स पेबल। तो ये था जी हमारा पार्ट वन, टैक्सेशन ऑफ अ फर्म, एक फर्म की टैक्सेशन कैसे की जाएगी, उसके मुख्तलिफ जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये एक बड़ा कंप्रीहेंसिव, और ये मैं आपको चीज बताऊं कि मैं अभी फर्स्ट टाइम मैंने ये काम किया है, कि मैंने आपको पहली दफा इस तरह से ये काम करना सिखाया है कि सबसे पहले एओपी की टैक्सेशन करनी है, उसके बाद पार्ट टू के अंदर जो है वो हम मेंबर्स की टैक्सेशन करेंगे, कि मेंबर्स की टैक्सेशन कैसे की जाएगी। ये हमारा पार्ट टू है, ठीक है जी।